हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजराट अयोध्या ई ट्यूटोरियल के माध्यम से आपका स्वागत करता है। मैं मायाराम यादव। आज हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल अध्याय 2 के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ हैं जो इस प्रकार हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम को बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, जिसमें नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, और दो और छोटी नदियां हैं जैसे साबरमती और माही नदी, ये भी अरब सागर में ही जाकर के गिरती हैं। और ये नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इन्हें भ्रंश घाटी की नदियां भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी द्रोणी आती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गार्ज से बहती हैं। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हैं। आइए बच्चों, चित्र के माध्यम से देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों में पहला है नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है, उसके बाद अरब सागर में गिर जाती हैं। उस और ताप्ती नदी भी है, अरब सागर में गिरती है। माही नदी और साबरमती नदी, ये सब नदियाँ पश्चिम क्षेत्र की तरफ बहती हैं। बच्चों, आज बस इतना ही। कल हम ताप्ती नदी द्रोणी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।